सिंबल ऑफ अमेरिका। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 6:30, तो मैं 6 बजे उठा था। तो अभी पार्क में देखो कोई भी नहीं है, सभी जाने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे रुका था और मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो ये आ जाता है अंदर गैस स्टेशन पे, लब पे अंदर। ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हो, आपको खाना है, कॉफ़ी पीनी है। मतलब कोई भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से मिल जाती है, कोई भी चीज़ एमरजेंसी में आपको चाहिए होती है ना, तो यहाँ से मिल जाती है कुछ भी। ये ट्रक के रिगार्डिंग सभी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, आपको कुछ भी चीज़ स्ट्रैप वगैरह चाहिए, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भर रहा हूँ। और ये मेरा शावर है, देख रहे हो फोक्स कितना अच्छा शावर है। और हर शावर लेने के बाद ये क्लीन करके जाते हैं और इसको सैनिटाइज करके जाते हैं। और ये आपको ये टॉवल भी देते हैं अगर आपको चाहिए तो। तो लेकिन मैं तो खुद अपना लेकर आता हूँ। ये फैन चल रहा है, सफाई देखो भाई आप यहाँ पे कितनी सफाई है। अमेरिका में जो गैस स्टेशन आते हैं ट्रकिंग के, वहाँ पे ये शावर्स लोगों के लिए है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, शावर ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी सफाई है यहाँ पे, ये देखो लाइट है, LED लगी है। और कोई दीवार पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ। इनफैक्ट देखोगे आप मिरर भी कुछ नहीं है, हमारे घर से ज़्यादा ये मिरर साफ होगा। तो गाइस अभी मैंने शावर ले लिया है। तो हम भारतीयों का सुबह क्या चाहिए होता है, चाय। तो हम सीधे चलते हैं अब कॉफ़ी की तरफ, चाय तो नहीं होगी, कॉफ़ी की तरफ। और उठाते हैं अपनी कॉफ़ी और चलते हैं डिलीवरी की तरफ। और इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे काफ़ी तरह के दूध पड़े हैं, दूध है, क्रीम है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। ऐसे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी कॉफ़ी उठा ली है और ये रही मेरी कॉफ़ी। और मैं जा रहा हूँ अपने ट्रक की तरफ। तो अभी मेरे को यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, तो मेरे पास बिल्कुल पूरा टाइम है। तो जैसे मैं यहाँ पे रुका था, तो अब सुबह मेरे को फर्स्ट ये चेक करना है अभी रिफ़ल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रिफ़ल चल रहा है और टायर वगैरह देखने हैं, प्री ट्रिप करना है सारा, तेल वगैरह है, लाइट्स वगैरह सभी ऑन है, सब कुछ। और ये सील भी देखनी होती है, लाइट्स वगैरह सभी चल रही हैं। तो नाउ आई एम गुड टू गो, मैं चल सकता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ I-39 पे और विस्कॉन्सन में हूँ। और वहाँ पे जाके मेरे को डिलीवरी करनी है अपने लोड की। तो मेरी अपॉइंटमेंट 8:30 की है, तो कंपनी वाले 1/2 घंटा पहले डाल देते हैं अभी हम टाइम निकाल के चलें। तो वैसे तो अपॉइंटमेंट मेरी 9 बजे की है, तो मैं 8:30 वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सुबह सुबह इतना मज़ा आता चलाने को, कोई भी नहीं होता रोड पर। यहाँ पे देखो अभी कोई भी नहीं है, अभी 1-2 घंटे बाद इतना ट्रैफिक हो जाएगा ना इस रोड पे, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस हाईवे की स्पीड है अराउंड आई गेस 70 miles per hour है। तो हम तो 105 पे जाते हैं, 105 पे हमारे ट्रक बंदे होते हैं, जो कनाडा वाली ट्रक हैं वो 105 से ज़्यादा नहीं जाते किलोमीटर पे। जो अमेरिका में जो
स्पीड है वो सभी की जगह डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक इस हाईवे पे स्पीड होगी 70 माइल पर आवर, कहीं पे 65 है, अगर आप कैलिफोर्निया साइड जाओगे 55 माइल्स पर आवर, तो अगर आप I-40 I-80 पे जाओगे तो उस पर 75 की भी है। तो ये डिलीवरी लोकेशन, तो यहाँ पे अभी मैं पहुँच गया हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला है डॉक नंबर 2 पे लगाने को, और यहाँ पे लगाना है। तो अभी ये सील तोड़नी है, हम इसके साथ ये सील को तोड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये कह देते हैं भी सीधा डॉक पे लगा दो, वो अंदर से खुद तोड़ते हैं, तो कई बार वो हमको बोल देते हैं ड्राइवर्स को। ये हमने खोल दिया है, तो और इसको खोल लेना होता है और सील को यहाँ पे रख देना होता है, क्योंकि वो अंदर से उठा लेते हैं, उनका पता चल जाता है कौन सी सील है। तो अभी इन डोर को मैं साइड में लगा दूंगा, तो यहाँ पे अभी है ग्रीन लाइट, उन्होंने अभी अनलोड करना स्टार्ट नहीं किया है, जब वहाँ पे रेड हो जाएगी तो अनलोड कर रहे हैं, तो हम ट्रैक्टर को अपने को ट्रक को हिला नहीं सकते तभी। तो आप अभी देख सकते हो गाइस, उन्होंने लोड उतार लिया है, तो जो मेरा ट्रेलर है बिल्कुल एम्प्टी है, तो ये थोड़ा डर्टी है अभी, अगर इसमें कुछ भी पिक करना होगा रिगार्डिंग फूड तो मेरे को ये वॉश कराना पड़ेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना लोड डिलीवर कर दिया है, तो अभी मेरे को पिकअप आई है और मेरे को जाना है वाटरलू। वाटरलू पड़ता है आयोवा में, तो यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है, और यहाँ पे मेरे को उन्होंने अनलोड करने में 2 घंटे लगाए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अगर ज़्यादा टाइम लग जाता तो भी कंपनी पे करती है आवरली। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट है लोड पे वो मेरी शाम को 4 बजे है, तो मैंने उनको पहले फ़ोन कर दिया भी मैं आ रहा हूँ, तो ये मेरा पिकअप नंबर है। तो अभी आया मैं रेस्ट एरिया पे, और ये रेस्ट एरिया मिनीसोटा का। तो ये यहाँ पे ना छोटा सा डैम बनाया हुआ है, सिंबल ऑफ अमेरिका ईगल। तो मैं यहाँ पे रेस्ट एरिया पे रुका था, और मेरे पीछे की तरफ है विस्कॉन्सन, और अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो इधर आ जाता है मिनीसोटा। तो यहाँ पे रेस्ट एरिया है, ये ट्रक पार्किंग आ गई, वहाँ पे कार पार्किंग है, और यहाँ पे बैठने के लिए आपको कुछ खाना है, बैठना है, आराम करना है, और वहाँ पे लेक में कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी ठंडा पर इतनी नहीं है, धूप निकली हुई है अभी, तो बहुत सोहना वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच गया था, और ये पीछे देख रहे हो आप ट्रेलर रुके हुए हैं, तो मैंने अपना ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और जब ये लोड हो जाएगा तो मेरे को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे मैं आके अपना ट्रेलर पिक कर सकता हूँ, और दिस डन फॉर द डे। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो बताना मेरे को आज का ब्लॉग कैसे लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर कुछ कमी लगी तो कमेंट करना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।